हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे पल आते रहते हैं जिस वक्त हम खुश होते हैं, और इन खुशी के पलों में हम और लोगों को भी इसका हिस्सा बनाते हैं, जैसे शादी, जन्मदिन, एनिवर्सरी या कोई और खास दिन। ये सब हमारी जिंदगी में खुशी देने वाले पल हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर छोटे से छोटे फंक्शन को भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अब जब फंक्शन मनाया जाता है तो इसके लिए टेंट, टेबल, कुर्सी, लाइट जैसी चीजों की जरूरत होती है, और ये सब जरूरत का सामान लोगों को किराए पर लेना पड़ता है, जिसके अच्छे खासे पैसे भी देने पड़ते हैं। अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप टेंट हाउस का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको आपके टेंट और बाकी सामान किराए पर देना होगा। चलिए इस बिजनेस के बारे में विस्तार से जानते हैं कि टेंट हाउस का बिजनेस आखिर क्या होता है, इसमें कितना इन्वेस्ट होगा और कितनी लागत के साथ मुनाफा होगा, कैसे करें बिजनेस की शुरुआत। अगर आप भी टेंट हाउस का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक जगह चुननी होगी। जगह आपका एक बड़ा कमरा भी हो सकता है या कोई दुकान भी। अब जगह के बाद आपको हाथ बटाने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। सामान रखने के लिए एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां से सामान को आसानी से कस्टमर तक पहुंचाया जा सके। टेंट हाउस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल। टेंट हाउस बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले सभी साइज के छोटे बड़े टेंट की जरूरत है। उसके बाद आपको लोहे के खंभे, बांस के खंभे और रस्सी जैसी चीजों की जरूरत पड़ेगी। खाना बनाने वाले अलग अलग तरह के बर्तन, भट्टी, तंदूर, स्टील के बड़े बर्तनों, चूल्हा, इन सभी चीजों को भी खरीदना होगा। खाना खाने, खाना बनाने के लिए बर्तन, प्लेट, चम्मच, ग्लास, कढ़ाई, इन सब का भी इंतजाम करना होगा। लोगों के सोने के लिए बिस्तर, रजाई, गद्दे आपको खरीदने पड़ेंगे। स्टेज और पंडाल में इस्तेमाल होने वाले फर्नीचर, लोहे का टेबल, सोफा सेट, लकड़ी का टेबल, स्टील और प्लास्टिक की कुर्सियां, इन सबको भी आपको अपने टेंट हाउस में रखना होगा। सामान कहाँ से खरीदें? एक बार सारी प्लानिंग हो जाने के बाद बारी आती है टेंट हाउस के सामान को खरीदने की। अपने हिसाब से आप इसे बनवा भी सकते हैं। इसके अलावा ये सामान आप किसी अच्छे विक्रेता से खरीद सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना होगा? टेंट हाउस बिजनेस में एक बार सामान लेने पर वो 10 से 15 साल तक आराम से चलता है, लेकिन कुछ सामान 1 से 2 साल या फिर 5 साल में खरीदने पड़ते हैं। कुर्सियां, लाइट और कुछ डेकोरेशन का सामान। अगर आप छोटे स्तर पर इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो अपने बजट के हिसाब से कम सामान खरीदें। जब बिजनेस बढ़ने लगे तो महंगा और ज्यादा सामान खरीदें। इस बिजनेस में आप 5 से 8 लाख या फिर उससे भी ज्यादा रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो इस बिजनेस को 1 लाख से 2 लाख के बीच में शुरू कर सकते हैं। प्रॉफिट कितना होगा? इस बिजनेस में फायदा इस बात पर निर्भर करता है कि आपका टेंट कितने लोगों तक पहुंच रहा है। अगर आपके बिजनेस को शुरू हुए कुछ वक्त बीत चुका है तो आप प्रति महीने 25,000 से 30,000 रुपए तक कमा सकते हैं। अगर बात करें शादी के महीनों की तो ये कमाई बढ़कर 1 लाख तक पहुंच सकती है। मार्केटिंग कैसे करें? एक बार बिजनेस शुरू हो गया, इसके बाद ऐसा नहीं है कि सीधे आपके पास ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे। आपको टेंट हाउस बिजनेस कितना सफल और बड़ा बनाना है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने अपने बिजनेस के बारे में कितने लोगों को बताया है। अपने बिजनेस के बारे में आप शहर के न्यूज़पेपर के जरिए प्रचार कर सकते हैं। इसके अलावा पैम्फलेट छपवाकर घर घर बांट सकते हैं। ऐसे और बिजनेस रिलेटेड आइडियाज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन पर जरूर जाएं और लिखें आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।